हाँ, ये पहले से दबंग अधिकारी है, खाली गरीब को सताने वाला अधिकारी सताने है। हाँ। से जो भूमाफिया है बिल्डर है उनको, हाँ उनको नहीं, उनको संरक्षण करते हैं और गरीबों के सताते हैं। ऐसे प्रमाण खोजेंगे तो लाइन से हम खड़ा कर देंगे गिरसन के खिलाफ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कल हमने एक खबर चलाई थी जो पिछले दो दिनों से एक मामला चल रहा है और भी कई चैनल में चली, और मैंने भी कल खबर लगाई थी। नवगर माणिकपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक बिल्डिंग का छज्जा गिरा, स्लैब गिरा, अनाधिकृत तौर पर निर्माण काम चालू था और वो बिल्डिंग का स्लैब गिरा। स्लैब गिरने के बाद वहाँ पर 3 लोग इंजर्ड हुए थे। उसमें बड़े ही दुख के साथ आज ये एक जानकारी सामने आई कि एक महिला जो इंजर्ड हुई थी उनकी आज मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस समय हम माणिकपुर पुलिस स्टेशन के बाहर हैं, यहाँ उस महिला के रिश्तेदार और लोग मौजूद हैं जो उस मामले के जिम्मेदार लोगों पर FIR दर्ज कराने के लिए यहाँ आए हुए हैं और FIR की इनकी प्रोसीजर शुरू है। मैंने कल के अपने वीडियो में भी सवाल उठाए थे कि इन पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कौन, तो अनाधिकृत बांध काम करने वाला वह ठेकेदार तो जिम्मेदार है ही है कि उसने पूरी तरह से बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इस तरह से बिल्कुल निष्कृष्ट दर्जे का काम किया, वो छज्जा गिरा और इस तरह से वहाँ एक जान गई। साथ ही साथ इस मामले में महानगर पालिका सहायक आयुक्त तत्कालीन गिलसन गोंसाल्विस, मैंने कल भी सवाल उठाया था और आज भी सवाल उठा रहा हूँ, गिलसन गोंसाल्विस उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो ठेकेदार है, क्योंकि अनाधिकृत बांध काम को अगर महानगर पालिका संरक्षण देने नहीं देगी तो किसी अनाधिकृत बांध काम करता की हिम्मत नहीं है कि वो बांध काम कर पाए। तो महानगर पालिका ने दिसंबर 2022 में अनाधिकृत बांध काम को नोटिस भजाया था और नोटिस भजाने के बाद किसी तरह की कार्यवाही नहीं की इस गिलसन गोंसाल्विस ने। हमने यहाँ भी एक शख्स से बात की जो इनके रिलेटिव है, करीबी मित्र है, उनसे बात की, उन्होंने बात बात में ये बताया कि इस शिकायत पर गिलसन गोंसाल्विस ने कोई कार्यवाही नहीं की, ये साफ दिखाई दे रहा है और जिसका आज इतना भयंकर परिणाम भी है। वहीं लॉकडाउन के समय में गरीब लोगों के जो कुछ गरीब फल वाले हैं उनके फल उठाकर ये गिलसन गोंसाल्विस 25-25, 50-50 हज़ार का माल उठाकर वो अनाथ आश्रम में भेज देते थे, मतलब दबंगाई दिखाते थे। इसके प्रमाण भी है, इन्होंने शिकायत भी दी है। तो कहीं ना कहीं गिलसन गोंसाल्विस दोहरी भूमिका यहाँ पर बैठकर निभा रहा था। पिछले लगातार कई सालों से वो यहाँ इस गद्दी पर, मणिपुर की गद्दी पर बैठा था। मैंने पहले भी ये बात साबित की है, लेकिन महानगर पालिका ने गिलसन गोंसाल्विस को सिर्फ एक जगह से उठाया, दूसरी जगह डाला। महानगर पालिका ने अब तक गिलसन गोंसाल्विस के ऊपर कार्रवाई नहीं की, लेकिन आज इस मामले में गिलसन गोंसाल्विस की तत्काल निलंबन हो चाहिए और गिलसन गोंसाल्विस के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। गिलसन का खुद का अपना बंगला इलीगल है, वो भी हम इसके पहले जाहिर कर चुके हैं। एक बार फिर बात करते हैं तो यहाँ ये लोग अभी इस प्रोसीजर में लगे हुए कि इनकी FIR हो और जल्दी इनकी FIR लॉन्च होगी और उम्मीद करते हैं कि इनको न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या ऐसे और भी मामले वसई विरार में सामने आएंगे? क्या इस तरह से इल्लीगल बांध काम करने वाले को महानगर पालिका संरक्षण देगी, या एक बार आयुक्त ऐसा उदाहरण सेट करेंगे कि ये अनाधिकृत बांध काम करने वाले जो है वो अपने काम से बाज आए? अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। क्या नाम आपका? रमेश गुप्ता। रमेश जी, आपकी वाइफ का निधन हुआ, क्या कहना चाहेंगे, कौन दोषी है? यहाँ पे पहला हमारा एक काम कराइए, 2 FIR बनाइए, एक नगर पालिका का, एक बिल्डर का, ये करो पहले, उसके बाद में फिर आगे बता रहा हूँ। आपके FIR अभी हुई नहीं है? नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन लेंगे ना अभी FIR? हाँ, तो करवा के दो हमें। कितने बच्चे बच्ची आपके? 3 लड़की एक लड़का है। और जब हादसा हुआ उस दिन, हाँ, आप कहाँ थे? हमने यहाँ नहीं था, चिंचोटी में था। आप क्या करते हैं? ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ये कहाँ पर लड़का है? हाँ। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सूर्यबान गुप्ता रमेश। उस दिन आपकी मम्मी के साथ हादसा हुआ, तो आप कहाँ थे? मैं रूम पे था, मम्मी गई थी नीचे सब्जी लाने माणिकपुर में, नहीं मालूम अभी क्या हुआ। तो मेरी बहन को, छोटी वाली बहन को अंदर डाली, अभी मेरी मम्मी बैठने वाली थी, इसकी वजह से बिल्डिंग मम्मी के ऊपर ही गिर गया। कितने भाई बहन हो आप? हम लोग 3 बहन है, अकेला मैं हूँ। आपका नाम? मेरा नाम समरजीत विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जी, माणिकपुर में जो हादसा हुआ बिल्डिंग का, उसमें एक महिला की आज मौत हुई जी, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना चाहेंगे कि इस बिल्डिंग पर एक साल पहले कंप्लेन दिया गया था, अगर महापालिका संज्ञान लेती और बिल्डिंग को तोड़ देती तो आज वो औरत का जान बच जाता। दूसरी बात, ये औरत सब्जी कभी बेचती थी, कभी ओड़ा पर धंधा लगा के पेट चलाती थी, इसके 4 बच्चे भी हैं और बहुत गरीब घर के हैं,
इसका जिम्मेदार नगर महापालिका, कंट्रेक्टर और बिल्डर, ये तीनों पर FIR होना चाहिए और बिल्डिंग को डिमोलिशन करना चाहिए। और इसके साथ जितने छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, उन लोगों को कोई आर्थिक मदद देना चाहिए। क्या नाम आपका? देवालाल गुप्ता। देवालाल जी, क्या कहेंगे जो औरत थी मेरी, आपके क्या लगते थे क्या? वो हमारे खास दोस्त हैं, हम लोग एक ही गांव के हैं और बहुत गरीब परिवार है। तो ये जो हादसा हुआ, जिस तरह से बिल्डिंग का स्लेब गिरा और उसके बाद में कहीं ना कहीं दबे, वो दो दिन तक इंजर्ड थे और आज उनकी डेथ हो गई फाइनली। हाँ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब इसमें आप किसको दोषी मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें हम मानेंगे कंसेशन वाले को, बिल्डर वाले को, और सबसे ज़्यादा तो नगर पालिका को हम जिम्मेदार मानेंगे। क्योंकि न इसके, वो जल बिल्डिंग है, इसके पहले उसको नोटिस दिया गया है ऐसा सुनने में आ रहा है। यदि ऐसे समय में यदि कार्रवाई हुआ, नगर पालिका किया होता, तो आज ऐसे गरीब परिवार की हत्या नहीं होती। नगर पालिका में तब अधिकारी कौन थे? कोई उस समय में शायद गिल्सन थे। गिल्सन गोंसाल्विस थे। हाँ, उस समय गिल्सन गोंसाल्विस, उसने सताया हुआ है। हाँ, ये तो हमारी लॉकडाउन में, गरीबों लोग का 50-50 उस समय में खाने को कोई मोहताज था। वही गिल्सन गोंसाली ने वो 50-50 हज़ार रुपया का माल उठा करके अनाथाश्रम में डाल देते थे, कचरे में डाल देते थे। 100 प्रमाण मेरे पास है, जो कि मैं उनके खिलाफ मैंने लेटर डाला हूँ, आज भी बिरार आयुक्त के पास मैंने डाला हूँ। मतलब ये अधिकारी, हाँ, ये पहले से दबंग अधिकारी है, खाली गरीब को सताने वाला अधिकारी है। हाँ, जो भूमाफिया है, बिल्डर है, उनको, हाँ, उनको नहीं, उनको संरक्षण करते हैं और गरीबों के सताते हैं। ऐसे प्रमाण खोजेंगे तो लाइन से हम खड़ा कर देंगे गिल्सन के खिलाफ। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786